कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और वहाँ जो कल आतंकवादी घटना हुई पुलवामा में, उसका एक रिव्यू था, उसकी एक चर्चा थी और उसका एक आकलन था। एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव पारित किया गया, 2 मिनट का मौन भी रखा गया उन शहीद जवानों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को त्यागा इस देश की रक्षा के लिए। सीआरपीएफ के अधिकारी पूर्ण प्रयास करेंगे कि उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुंचे, जहां एक आभारी देश ज्वाइन करेगा और शामिल होगा उनकी अंतिम यात्रा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। विदेश मंत्रालय जितने भी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो सकते हैं वो करेगा और उसकी जानकारी देश के सामने रखेगा। उद्देश्य ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट, अलग थलग एक बार फिर से किया जाए। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के संबंध में होता है, जो पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, अन्य देशों को भी हमने दिया हुआ है, पाकिस्तान को दिया हुआ वो दर्जा रद्द कर दिया गया है। इसके संबंध में जो सूचना है वो वाणिज्य मंत्रालय इसकी जारी करेगा। 1986 से एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है जो भारत ने जिसमें इनिशिएट किया था, और वो यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है, और उसके संबंध में भारत प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ चर्चा करके कि उसको तुरंत पारित किया जाए। हमारी सुरक्षा एजेंसीज ये पूरा प्रयास करेंगी कि सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्टर्ब ना की जाए और इस तरह की कोई घटना ना हो और जमीन के ऊपर देश भर में, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, शांति और अमन कायम रहे। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको अधिक से अधिक इसकी कीमत अदा करनी पड़े। माननीय गृहमंत्री जी आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पर स्थिति का आकलन लेंगे, शाम को लौटेंगे और शीघ्र ही संभवतः कल सर्वदलीय एक बैठक होगी जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी भी देंगे, उनके सुझाव भी इस संबंध में लिए जाएंगे।